हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा, हिंदी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास यही कैमरा है, इसके लिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जियो के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स है, जो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि रेडमी नोट 3 में वोल्टी सपोर्ट होने के बाद भी वो नहीं चल रहा है जो मैंने पहले बताया था। सिम स्लॉट 1 में डालने के बाद भी HD का सिम्बॉल नहीं आ रहा। दोस्तों, आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। मैंने भी कमेंट में बहुत बार बोला कि ट्राई कीजिए, तो आपने कहा कि हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो मैंने आपके एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसी के आधार पे कि आप कैसे कर सकते हैं Redmi Note 3 का फिक्स वापस कैसे कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट, अभी मैं शुरू कर देता हूँ इस वीडियो को। लेकिन आपका नहीं हुआ तो आप देख लीजिए कि आपका MIUI 8 वर्जन कौन सा है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे फ़ॉन्ट्स चेंज है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो देखने है कि कैसे आप अपने फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा MIUI वर्जन कौन सा है। यहाँ पे देखिए MIUI 8.0.1 स्टेबल वर्जन है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वो हम शुरू करने जा रहे हैं कैसे आप कर सकते हैं फिक्स। ये भी आसान तरीका है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना ये जो सिम है पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे HD 4G का सिंबल आ रहा है और सिम स्लॉट 1 में ही मेरा सिम कार्ड लगा हुआ है। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि आप कैसे सिम कार्ड 2 में भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका सिम 1 में अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने सिम कार्ड निकाल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं HD का सिंबल आ रहा था, अभी हट गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस में लगा हुआ है जियो का सिम। यहाँ पे मैं ये नीचे रख देता हूँ फ़ोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जियो का सिम है जो यहाँ सिम क्लाउड 1 में लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम 1 में लगा हुआ है। यहाँ पे मैं अब इसे सिम कार्ड 2 में लगाऊंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, और सिम कार्ड 2 में लगाने के लिए ये जो इसका है उसको नैनो लगता है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे लगाया, फोन में ऐसे चले जाएगा, और ये ऐसे गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोन में डाल दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि HD का सिंबल आता है नहीं आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4G सिर्फ आया है, यहाँ पे HD भी आ गया मेरे फोन में। तो मैंने ये सिम स्लॉट 2 में लगाने के बाद भी HD आ गया। अगर आपका नहीं आता है तो आपको जस्ट यहाँ पे दोस्तों आपको बस करना है *#*#4636 फिर आपको ये हैश दबाना है, *#**#**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 *
आपको यहाँ पे करना है फोन इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि जो ये देखिए यहाँ पे जिम जीसी जीएसएम ओनली बताया, मतलब आप एक फ़ोन में एक ही बार मतलब एक ही वोल्टेज डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे सीडीएम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ये जो है ये सिलेक्ट करना है। अगर आप इस सेटिंग में जाने के बाद और आप सिम फर्स्ट में लगाएं और फिर भी वोल्टी नहीं आ रहा है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर मैंने सिम टू में लगाया है तो मैं यहाँ से बैक चले जाता हूँ और यहाँ पे जो सिम टू का दिया हुआ है और यहाँ पे आपका नहीं आया हो तो यहाँ पे आपका जी सी एम ओनली लिखा रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको जस्ट ये सिलेक्ट करना है, ये यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस पर किया है, ये सिलेक्ट कर लेना और फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 4G HD आ रहा है तो इसलिए मैं रिबूट नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको बस दोस्तों फ़ोन की इन्फॉर्मेशन सेटिंग में करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GSM ओनली लिखा हुआ है और यहाँ पे क्योंकि मैं GC सेकंड में लगा के रखा हूँ
इसीलिए। तो ऐसे आप अपने फ़ोन में LTE, जिसको VoLTE बोलते हैं, वो अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर कुछ भी कौन सा भी सिम कार्ड लगाते हो तो यहाँ से आप सेटिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको ज़रूर आपके फ़ोन मतलब हेल्प आपको आएगी। और इसमें आपको सिम कार्ड टू में भी 4G LTE और भी HD कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ कि मैं किसी को भी कॉल करूँ तो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल गया। तो दोस्तों हम अब SIM 1 या SIM 2 हम वॉइस कॉल भी कर सकते हैं फ्री में, अभी जियो के ऊपर चल रहा है ऑलरेडी। और हम HD कॉल कर सकते हैं अगर सामने वाले का भी रहा तो Jio to Jio। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे HD आपका सिंबल दिख रहा है, अभी आपका शो हो रहा। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ये शो नहीं हो रहा, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर ना दिखाई दिया हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से आपका रन कर रहा होगा, यहाँ पे आप मेरा भी रन कर रहा है SIM 1 में या SIM 2 में। अगर मेरे पास दोनों जियो सिम है तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, शायद एक ही वोल्टेज डिवाइस यूज़ कर पाऊँगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मेरा भी कॉल भी जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे जियो फ्री होता है और फिर ऐसे कॉल चले जाता है। तो आपको यूज़ कर रहे हैं आप जियो यूज़ कीजिए, बाद में आप वॉइस का। और बहुत सारे कमेंट्स कि IMI ब्लॉक होंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, कि जियो को यहाँ पे रहना है तो जियो ऐसा नहीं करेगा। जो भी होगा हम फ्यूचर में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HD शो हो रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो मैं आपके लिए रोजाना लाता ही रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए वीडियो की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।